नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए। ऐसे वक्त में जब इस वक्त कोरोना वायरस के मामले भारत में 13,000 से अधिक हो चुके हैं, वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो 85 मामले अब तक निकल के आ चुके हैं। हाँ, ये बात भी है कि बिहार में ज़्यादातर मामले ठीक भी हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हो किस तरीके से बिहार का हाल। ये लाइव स्ट्रीम की तरफ से आपको हर पल अपडेट कर रहा है। फेसबुक पेज पर भी हम हर पल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोटा के स्टूडेंट्स को लेकर के बातें निकल के आ रही हैं कि उन स्टूडेंट्स को, उन मेधावी छात्र छात्राओं को वापस बिहार बुलाया जाए, इस तरीके से उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, सरकार भी इसको लेकर बैठक कर रही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही है मुख्यमंत्री आवास पर। इस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन पटना के कई सर्कल्स में, जो वीआईपी सर्कल्स, इस बात की चर्चा है कि बीते दिनों में 25-26 वीआईपी परिवारों के बच्चे, और हम समझते हैं पटना के उस सर्कल में वीआईपी का मतलब क्या हो, वो आ रहे हैं। तो सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहा है हमारा प्रवासी मजदूर, जिसकी जुबान के लिए कोई नहीं है, जिनकी चिंता नहीं है, महज एक वोट बैंक है। सफर वो मिडिल क्लास के बच्चे कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जिनके किसी रसूखदार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, थोड़ा इस तरह की जो सेल्फ इम्पोज्ड फिक्टिशियस नैरेटिव है, उससे बाहर निकलिए। ये नकली है। इससे बाहर निकल करके देखिए कि अभी बिहार के जो भी मजदूर लाखों देश में है, वो चाहते हैं कि आप एक ऐसा एक्शन लें कि वो भी अपने घर पहुंच पाए। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो पंजाब या दिल्ली का उनका जो रहना है वो ठिकाना है, घर नहीं है। उसी तरह जो तमाम छात्र हैं जिनका किसी वीआईपी से ताल्लुक नहीं है बिहार में, उनको बुलाने की व्यवस्था करें। डिस्टेंसिंग मैनेज आप कर सकते हैं, आप संसाधन लगा सकते हैं। ना जाने कौन सी चुप्पी है, और ये चुप्पी मैं समझता हूं कि संभवतः ये पूरा का पूरा वर्ग केंद्रित हो जा रहा है। पूरा का पूरा लॉकडाउन, जिसमें लगता है कि हम एक वर्ग विशेष से अपील कर रहे हैं कि आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, और दूसरा का पूरा एक जो धरातल पर विशाल महती वर्ग है, उसको हम खारिज कर रहे हैं। ये कतई एक अच्छा संदेश नहीं दे रहा है, चाहे तर्क जो भी कर लिए जाए, ये अमानवीय प्रतीत हो रहा है। तो उन्होंने कहा, किस तरीके से आपने सुना है कि जो लोग पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो उनका ठिकाना है, वो घर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि लोगों को अपने घरों में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, ऐसे वक्त में वो कैसे अपने घर आएंगे? अन्य राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, या तो वो गलत कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो इसको भी आप मुखर तरीके से कहिए, और इस पर प्रधानमंत्री जी को कहिए एक्शन लेने के लिए। मनोज झा खुद भी अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि जो बिहारी मजदूर हैं या फिर आम लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों के बारे में सोचिए। क्या कुछ कह रहे थे मनोज झा? आपने सुना है, देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी सरकार पर जो आरोप लग रहा है बिहार के साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार करने का, क्या इस पर बीजेपी के नेता कुछ कहेंगे, या फिर जो आरोप लग रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री ही कुछ कहेंगे? शुरुआती दौर में हुआ कि किट के रूप में सहायता नहीं मिल रही है, अब देखने को आ रहा है कि बिहारी लोगों को ठीक से सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, आप देख रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल की अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही अपील हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।